मुख्तार और उनकी पत्नी के हार्ट अटैक की गुत्थी जहां परेशान कर रही है, वहीं दिल्ली में जिग्नेश मेवानी की रैली को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की इजाजत के बिना जिग्नेश मेवानी ने जंतर मंतर पर जनसभा की। क्या दिल्ली पुलिस कहती कुछ और है और करती कुछ और है? जंतर मंतर पर जिग्नेश मेवाणी की रैली में कन्हैया और जेएनयू ब्रिगेड ने जमकर नारेबाजी की। इसी जंतर मंतर से उमर खालिद को भी तकरीर की तरह भाषण देने का मौका मिल गया। मेवाणी ने भी सरकार पर खूब हमले किए, लेकिन जिस जंतर मंतर को लेकर दिल्ली पुलिस सुबह तक ये कहती रही कि यहाँ किसी भी रैली या सभा की इजाजत नहीं है, वहाँ जिग्नेश को रैली की इजाजत कैसे मिल गई? यहाँ पर एनजीटी का ऑर्डर है कि जंतर मंतर पर कोई प्रोटेस्ट नहीं हो सकती है, और अल्टरनेट साइट से जैसे रामलीला मैदान को सजेस्ट किया गया है, तो हम लोगों ने ऑर्गेनाइजर से यही कहा है कि आप जो अल्टरनेट साइट है वहाँ पर अपना प्रोटेस्ट करिएगा। हालांकि तस्वीरें गवाह हैं कि जिग्नेश की रैली दरअसल रैली नहीं, किसी नुक्कड़ सभा से ज्यादा नहीं थी। आपकी नजर जहां तक जाएगी वहां तक सिर्फ खाली कुर्सियां ही दिखेंगी। कुछ कुर्सियों पर लोग बैठे हैं, लेकिन सबको गिन ले तो भी दर्जन या उससे कुछ ज्यादा लोग ही होंगे। जिग्नेश ने इस रैली को लेकर खूब हो हल्ला मचाया। उनका अंदाजा था कि 5000 लोग जुटेंगे, लेकिन जुटे तो महज 200 से 300 लोग, जिसमें से ज्यादातर आयोजक और जेएनयू के छात्र थे। ये इस देश के नए युवा नेता हैं, जिनमें बहुत पोटेंशियल है कि इस देश में एक बड़ा युवा मूवमेंट खड़ा कर सकते हैं। पिछली बार कन्हैया और उमर खालिद के खिलाफ कार्रवाई के बाद उन्हें खूब सुर्खियां मिली थी। इस बार सरकार और पुलिस ने इससे सबक लेते हुए जिग्नेश को सभा करने दिया। सभा से पहले माहौल खूब बना, लेकिन भीड़ न जुटने से वो रंग नहीं जम सका जिसकी उम्मीद जिग्नेश को थी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।